सब कुछ जनता के हाथ में है। ये जो एमएलए बन गए हैं ऐसा नहीं है कि पक्का हो गया, अगर काम करेंगे करोगे तो जनता दोबारा लेके आएगी। कमी बर्दाश्त हो सकती कम च, पर बेईमानी नहीं। जिन्नी सजा बेईमानी करते आम किसे बंदे नूं मिलती है, जे कोई आम आदमी पार्टी का एमएलए कोई नेता कोई बेईमानी करूगा तो उसको दुगनी सजा मिलेगी। आम घरों के बच्चे भी ये सोच रहे हैं कि हम भी सेवा कर सकते हैं और देश को हम आगे लेके जा सकते हैं, नहीं तो देश को बेचने की राजनीति चल रही थी। उसमें सबसे बड़ी जो बात अरविंद जी ने ये कही है कि सब कुछ जनता के हाथ में है। ये जो एमएलए बन गए हैं ऐसा नहीं है कि पक्का हो गया, अगर काम करेंगे करोगे तो जनता दोबारा लेके आएगी। ये किसे लीडर के हाथ च नहीं है, ये लोगों के हाथ च है। करप्शन के ऊपर ये कहा कि और सभी चीजें बर्दाश्त हो सकती है, अगर किसी को काम दिया है वो लेट हो गया वो उसको दोबारा मौका मिलेगा, अगर किसी ने करप्शन की तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। स्पीकर तो तुसी कल बनाना है जी, हले तो नॉमीनेट किया पार्टी ने, कल पहले एडवांस ही चलो थोड़ा प्यार है जी। आज दी मीटिंग दा निचोड़ किस तरह सर? आज दी मीटिंग दा निचोड़ है कहंदे भी कमी बर्दाश्त हो सकती काम च, पर बेईमानी नहीं। अरविंद जी ने यह गल कही है, मानयोग अरविंद केजरीवाल जी ने, कि जिन्नी सजा बेईमानी करने आम किसे बंदे नूं मिलती है, जे कोई आम आदमी पार्टी का एमएलए कोई नेता कोई बेईमानी करूगा तो उसको दुगनी सजा मिलेगी। पोर्टफोलियो ते राज्यसभा नूं लेके चर्चा है, उहदा कदों फैसला होएगा, की चर्चा हुई है अंदर? वो थोड़ी ऑलमोस्ट तैयार ने, सारा कुछ हो जाएगा। चर्चा हुई आ जाएगी, आ जाएगी आज, क्यों कल लास्ट डेट है आज। ठीक है तो शाम तक पोर्टफोलियो सुनिया सिंह साडे नाल कुलतार संधवा, इस तों पहला जिहड़ा हैगा हरजोत बैंस जिहड़े मंत्री बने ने उहनां नाल गलबात कीती, जिन्हां दा कहना है कि जल्दी आ जिहड़ी पंजाब विधानसभा दे विच जिहड़े मंत्री बनाए गए ने जिहड़े विधायक उहनां दी लिस्ट वी आ शाम तक आ सकदी है। कैमरा पर्सन पीयूष देनाल कोमल सिंगला स्काई न्यूज पंजाब। हर जगह तो निराश लोकां दा इको सहारा मूसा खान जी, कोई भी परेशानी होवे जिवें कीता कराया, विदेश यात्रा च रुकावट, बीमारी च दवाई दा ना लगना, सौतन तो छुटकारा, संतान प्राप्ति, व्याह च देरी, मन चाहा प्यार, घरेलू क्लेश, पढ़ाई च मन दा ना लगना, हर समस्या दा समाधान कर बैठे, दुखी लोग एक बार जरूर संपर्क करो, मोबाइल नंबर 90-88-84-77-02। खबर दी ताजा अपडेट दे लई साडे यूट्यूब चैनल नू सब्सक्राइब करो, फेसबुक चैनल नू लाइक अते शेयर करो।